पहले तो इस वक्त जितने भी दर्शकगण मुझे देख रहे हैं उन सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और ये मेरे लिए बेहद खुशी की बात है कि मेरे फेवरेट मास्टर जी रामदेवन मास्टर जी, जो कि मेरे बहुत क्लोज हैं, और वो एज अ डायरेक्टर, जो कि हम लोग कई दिनों से, कई महीनों से ये सोच रहे थे कि मास्टर जी कब डायरेक्टर बनेंगे। एंड मेरी दिली चाहत थी कि मास्टर जी कोरियोग्राफर तो वंडरफुल हैं, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी करें और अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं। सो आज वो दिन आ गया है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। मैं दिल से, जैसा कि मेरा हुलिया देख के समझ सकते हैं, आज बहुत सारा काम करते करते इतनी थक गई हूँ कि हालत ही नहीं हो रही थी कि मैं यहाँ आ सकूँ। बट आई एम रियली एक्साइटेड, इस वजह से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। अच्छा, आपको पता है इस फिल्म में जो हीरो नजर आएंगे उनका नाम उधारी बाबू है, उधारी बाबू से पोस्टर आपने सुना था ना? नहीं, मैंने नाम तो नहीं सुना है, बट हाँ, मेरी तरफ से ढेर सारी विशेष हैं उनको कि आगे अपना करियर बहुत अच्छे से बनाएं और खूब नाम रोशन करें। अच्छा, ये जो फिल्म है बेसिकली, ये कहा गया है कि ये डांस पे ओरिएंटेड फिल्म होगी, बेसिकली पूरी फिल्म जो है वो डांस पे ओरिएंटेड होगी। आप डांस में, आपका भी स्पेशल इंटरेस्ट होता है, अब जब उस पर फिल्म बन रही है, उस पर जब फिल्म बन रही है, कितनी मज़ेदार, कितनी धमाकेदार हो सकती है? अब जहाँ आप डांस की बात कर रहे हैं और ऊपर से रामदेवन मास्टर जी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बंद ही रखना ज़्यादा बेटर है। बहुत अच्छी फिल्म बनने वाली है एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि जल्दी फिल्म आए और आई एम एक्साइटेड। आपने बताओ, आपने उन्होंने आपको बहुत बार कोरियोग्राफ किया, आपके वो फेवरेट भी हैं मैं जानता हूँ, बट वो डायरेक्टर बेहतर हो सकते हैं, इस बात का आपको कैसे बोल रहा है? मुझे इस बात के लिए मैं श्योर हूँ, बिकॉज मास्टर जी को मैं देखती हूँ, वो टेक्निकली बहुत शार्प हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो डायरेक्शन भी बहुत उम्दा करेंगे एंड जो कि दर्शक बहुत इंजॉय करेंगे। अक्षरा जी, आप आज बहुत बिजी थी, क्या शूट कर रही हैं आजकल? स्टूडियो में भी गाने भी बहुत धमाके कर रहे हैं अक्षरा सर के। अब वो सारी चीज़ें सरप्राइज रहने दीजिए तो ज़्यादा बेटर है, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आएंगी सामने। रिकॉर्डिंग्स भी चल रही है, फिल्म की शूटिंग भी चल रही है, सो एक दिन के लिए बॉम्बे आना हुआ तो बहुत ही भागदौड़ में लगी। अक्षरा सिंह की अपकमिंग मूवीज? अपकमिंग मजनुआ है, राजा राजकुमार है, लैला मजनू है एंड वन मोर वुमेन ओरिएंटेड फिल्म आ रही है, सो बैक टू बैक फिल्म। महिलाओं पर आधारित फिल्में आज भोजपुरी सिनेमा में, मैं नहीं कहता बहुत ज़्यादा बनती है, एक दौर था जब बहुत ज़्यादा बनती थी, बट अब ये बहुत रिड्यूस हो गई हैं शायद। ऐसा नहीं है, बनाने वाले अभी भी बना रहे हैं और अच्छी फिल्में बन रही हैं, इस बारे में नहीं कह सकती मैं कि नहीं बन रही। अक्षरा सिंह ने रिसेंट कोई भोजपुरी मूवी देखी? 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलने का था और 2 मिनट से ज्यादा हो गया। अक्षरा सिंह ने रिसेंट कोई भोजपुरी मूवी देखी? बहुत इरिटेट करते हैं ये। सर आप कुछ कहिए सर। पूर्णिमा जी को इनवाइट करो। ओके ओके, प्लीज इनवाइट द प्रोड्यूसर। आइए मैम प्लीज। परी प्रोड्यूसर, व्हाई डोंट यू जॉइन अस? आइए ना। हां यू आल्सो। ओके सर, अक्षरा जी बड़ी तारीफ कर रही थी कि ये बड़े कमाल के हमारे कोरियोग्राफर हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता था जब आप कोरियोग्राफ करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि आप बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर साबित होंगे। मैं बेसिकली फ़ैन हूँ प्रभुदेवा का एंड रोहित शेट्टी का, तो डांस और एक्शन अगर दोनों मिलकर एक साथ आएगा तो सोच लीजिए आप लोग कि किस लेवल का फिल्म बनेगा। अक्षरा जी ने कहा कि बहुत थकी हुई थी, एक दिन के लिए मुंबई आई थी, पूरे दिन व्यस्त थी, उसके बाद भी उन्होंने वक्त निकाला। स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट किया था, बेटा मैं जब भी डायरेक्टर बनूंगा तो मेरे फ्लोर पर रहना, तो आगे इतनी बीमार हो गई। प्रोड्यूसर मैडम कुछ कहेंगे? अच्छा लग रहा है अक्षरा को यहाँ देख के, इनकी मॉम मेरे साथ काम कर चुकी हैं धमाल कैले राजा रवि किशन के साथ। अच्छा। हमारी रवि की माँ बनी थी वो, नीलिमा जी। इनसे मेरी कुछ दिनों पहले बात हुई थी एक शो को लेकर, हम आपस में मिले नहीं, फ़ोन पे बात की है, आई थिंक शी इज़ रिकनाइज और नॉट, आई डोंट नो, बट हम बात कर चुके हैं फ़ोन पे। अच्छा, अक्षरा जी बहुत बेहतरीन डांसर हैं। जी जी जी, मेरी फेवरेट हैं। आपकी फेवरेट हैं? जी ठाकुर हैं इसलिए। अच्छा, ठाकुर होने के बाद आपकी सबसे बेसिक, जो सबसे बेहतर चीज़ लगती है अक्षरा सिंह के बारे में, क्या लगती है आपको? ये मुझे ना बेसिकली थोड़ा ही अलग लगती है, पतली दुबली अच्छी खासी, फिट एंड फाइन। फिट एंड फाइन, अब तो सारी हीरोइन फिट एंड फाइन है भोजपुरी में आज की तारीख में। मैंने नहीं देखा किसी को अभी तक फिट एंड फाइन, सब हेल्दी हेल्दी हैं। तो जिन जो लोग थे उन्होंने वेट कम कर लिया, आप लेटेस्ट फोटो चेक कीजिए गूगल पे। किसकी करूं? सबकी, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, सारे मोटे हैं।
अच्छा अक्षरा इतनी फिट एंड फाइन है, बेहतरीन आर्टिस्ट भी है, इन्हें लेकर कोई फिल्म क्यों नहीं प्लान की जा सकती है फिर? मैंने मास्टर जी से भी कहा था कि मेरी फिल्म का आइटम सॉन्ग अक्षरा से करवाइएगा। अच्छा आइटम सॉन्ग अक्षरा से कराइएगा, फिर क्या कहा इन्होंने? मास्टर जी बात खत्म हो गई ना, वो तो करना ही है उन्होंने। अब वो उनके पास डेट्स होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता। हम लोग प्रॉपर आइटम सॉन्ग जैसा शूट नहीं करेंगे, इट्स अ सेलिब्रेशन सॉन्ग, स्पेशल सॉन्ग, जैसे मैं हूँ ना ओम शांति ओम में जो फिल्म के क्लाइमैक्स में आता है उस तरह का एक सेलिब्रेशन सॉन्ग हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे अक्षरा से। बाकी सुपरस्टार अगर आ जाए तो मेरा प्रोजेक्ट रॉकस्टार से ऊपर हो जाए। मैडम मैडम अभी आपको फिल्म ऑफर की गई कैमरे के सामने, आप करेंगी? कैमरे के सामने नहीं, yes. उन्होंने ये बात पहले भी कही अभी, कि अभी आप ऐसे ना झगड़ा लगाने वाले क्वेश्चन मत करिए। नहीं मैंने झगड़ा नहीं लगाया, मैंने तो सिर्फ रिक्वेस्ट की कि भाई आप कुछ कहना चाहती हैं। आप करेंगी या नहीं फिल्म, बस ये बता दीजिए। डेफिनेटली करूंगी, जैसा कि आर्टिस्ट कभी ना नहीं कहता हम काम नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिस्ट। आप किसी खास करके मैं इस बात को क्या बोलूं, मैं बोलते हुए भी अजीब सा लगता है, पर जब भी मैंने दिल से मास्टर जी को याद किया है वो मेरे लिए हमेशा खड़े रहे हैं। सो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ और उनका आदेश होगा कि उनके लिए गाना करना है, डेफिनेटली करूँगा। कमीशन के चक्कर में ये। चलो मैं अक्षरा को अपनी बेटी से ज्यादा मानता हूँ, भले मेरी एक बेटी है लेकिन घर की बड़ी ये है, सेकंड मेरी छोटी बेटी है और इनको मेरी बहन मानता हूँ। अरे बड़े इमोशनल हो गए आप मास्टर जी। बिल्कुल होना पड़ेगा ना, आखिर में घर वाले के बारे में सोचते हैं, पराया लोग नहीं सोचते हैं। ये भी आपको पिता ही मानती हैं? बिल्कुल हाँ। अक्षय जी जी हाँ, डेफिनेटली मानती हूँ, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं वो सब जानते हैं। गाएंगे नहीं कुछ आज? आप चुपचाप माइक लेके ना जंगल में चले।